भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, तो इन तीनों वाम दलों का जो बिहार बंद का आह्वान है, इसको मैं आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग का प्रवक्ता हूँ, आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ने समर्थन किया है और अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और जो सबसे मेरी जरूरी पहचान की मैं यहीं का नागरिक हूँ, इसी क्षेत्र का नागरिक हूँ, इसको मेरे संगठन ने भी समर्थन दिया है। और आज जो एक बड़ा जन सैलाब है यहाँ पे, हम किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आएंगे, तो ये पॉजिटिव चीज है कि लोगों के बीच जागरूकता आई है, लोग एनआरसी और सीएए के काले कानून को समझ रहे हैं। मगर फिर भी जो एक बेसिक बात है वो बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग शायद कहीं पे कंफ्यूजन में एनआरसी और सीएए को लेकर। एनआरसी जिसमें साफ तौर पर यह है कि जिन लोगों का कागज नहीं होगा उनको देश के बाहर किया जाएगा या डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, और सीएए जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। तो मोदी सरकार ये साफ करे कि वो एनआरसी के कानून से देश के लोगों को बाहर करना चाहती है और सीएए के थ्रू पाकिस्तान के लोगों को अंदर लाना चाहती है, क्या पाकिस्तान के दलाल है? आपको ये बात साफ करना होगा। आज पूरा देश पूछ रहा है कि क्या मोदी अमित शाह अपने सुगलकी फरमान के जरिए देश के अंदर अल्पसंख्यकों, दलितों और ओबीसी, मजदूर और किसान वर्ग के लोगों को देश के बाहर रखना चाहते हैं या जेल समेत बदतर डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं? अमित शाह और मोदी को यह साफ करना होगा कि वो पूंजीवाद को बढ़ावा देके देश के अंदर किसान, मजदूर और छात्रों के आंदोलन का लाठी और गोली के दम पे दमन करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो एक बात कान खोल कर सुन ले, ये देश भगत सिंह की धरती है, ये अफाक और बिस्मिल के साजा शहादत की धरती है, ये देश ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जामिया के अंदर एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिसिया दमन चक्र चलाया गया, पुलिस कैंपस के बाहर से आंसू गोले फेंक रही है कैंपस के अंदर। मान लो पुलिस नहीं अजमल कसाब हो, अब जब पुलिस अफजल गुरु जैसे हरकत कर रही है तो इस देश में खुले तौर पे बोलिए कि इमरजेंसी लागू है, आपातकाल की स्थिति है। कल पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको उनके घर के अंदर अरेस्ट कर लिया गया, क्या मजाक चल रहा है देश में? अभी बीएचयू के स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आरएसएस और बीजेपी का जो पगल बच्चा छात्र संगठन एबीवीपी है, वो पुलिसों के साथ मिलकर वाम दल के जो छात्र है, सीवाईएसएस के छात्र है, उनके आंदोलनों का दमन किया गया, लाठियां एबीवीपी के वर्कर्स बरसा रहे थे, पुलिस हाथ जोड़कर खड़ी है, क्या मजाक चल रहा है देश में? कहां है संविधान, कहां है कानून? जामिया में आप हिंसा की झूठी खबरें फैला रहे हैं, साफ साफ वीडियो फुटेज आ रहे हैं कि पुलिस बस में आग लगा रही है, मगर आप छात्रों का दमन कर रहे हैं झूठ के नाम पर। शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। आप गंगा जमुनी की तहजीब को खराब कर रहे हैं, आप देश के गौरवपूर्ण इतिहास पर कलंक लगा रहे हैं। अमित शाह जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने ताड़ी पार किया था, वो तय करेगा इस देश में कौन रहेगा। नरेंद्र मोदी जिसे अपना घर नहीं समझता, गुजरात के अंदर तुमने गोधरा कांड कराया था, हाँ हमसे गलती हुई है, मान रहे तुम्हें देश स्वाप के हमने गलती किया है, मगर एक सीधी बात कान खोल कर सुन लो, ये ताजपुर है कर्पूरी की धरती है, हर बार के आंदोलनों में ताजपुर का एक अलग योगदान रहा है, देश में जो भी बड़े आंदोलन चल रहे हैं ताजपुर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आज यहाँ पे स्थिति उतनी बदतर नहीं है, चलिए बिहार पुलिस के लोग खड़े हैं, मगर पटना के अंदर पटना विश्वविद्यालय के छात्रों का जो एनआरसी सीएए के खिलाफ जुलूस था, उस पर आंसू गोले बरसाए गए, बतौर फाइलिंग की गई, क्या यह गलत नहीं है? नीतीश कुमार जो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ के बैठा हुआ है, रामविलास पासवान जो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ के बैठा हुआ है, इन सारे लोगों ने एनआरसी और सीएए का सदन के अंदर सपोर्ट किया है। जब नीतीश कुमार का एक दलाल घूमता है ताजपुर के अंदर, खुले तौर पे बोलूंगा, नाम नहीं लूंगा, औकात नहीं उसके, तुम नाम लो, दलाल घूमता है ताजपुर के अंदर, जमीन की दलाली नहीं करता, कागजों की दलाली करता है, ताजपुर के अंदर कोई आंदोलन होगा, थोड़ा सा तोड़ फोड़ होगा, वो नाम लिखा देगा थाना में,
तो जब मुसलमान है वो, जब वो आपके दरवाजे पे आए अगला इलेक्शन में वोट मांगे, तो रैप्टा मार के पूछिएगा, तमाचे मार के पूछिएगा कि जब नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के तुगलकी कानून का समर्थन कर रहा था, तब तुम कहां थे? क्या तुम नीतीश कुमार के तलवे चाट रहे थे? आज कानपुर के जो लोग हैं सारे, ये सारे मुसलमान नहीं है। और इस आंदोलन को मुसलमानों का आंदोलन समझने की भूल नहीं करना है हमें। ये आंदोलन उन तमाम इंसाफ पसंद लोगों का है जो इस देश के अंदर भाईचारगी बनाना चाहते हैं, अमन बनाए रखना चाहते हैं। आज जिस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अंबानी अडानी की दलाली करके लगातार मजदूरों और किसानों को चोट चोट पहुंचा रहा है, नोटबंदी जीएसटी के थ्रू चोट पहुंचा रहा है, नोटबंदी की लाइनों में गरीबों को खड़ा करने का काम किया, आज फिर से सीएए और एनआरसी के तहत फिर से गरीबों को लाइन में खड़ा करने का काम किया जा रहा है, इस काले कानून के लिए आपको आवाज उठाना होगा, काले कानून के खिलाफ बोलना होगा। ये देश कोई 3% लोग का नहीं है, जो 97% यहाँ के मूल निवासी है उनका है, ये बात साफ कर लीजिए। और इस देश में जो भी मुसलमान है, दलित है, वो अमित शाह के टुकड़े में नहीं पड़ रहा है। अमित शाह हमारे वोट पे गृह मंत्री बना है। भारत की जनता का दिलेरी है या मूर्खता है नहीं पता, मगर चलिए हमसे गलती हुई, हमने एक तारीफार व्यक्ति को गृह मंत्री चुन लिया है। हमने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन लिया जिससे देश नहीं संभला जा रहा। देश में एक ऐसी सांसद चुन के गई है साध्वी प्रज्ञा, जो आतंकवादन है। तो ये चीजें गलत हुई है, मगर अब इसे सुधारने का वक्त है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय, BHU, ANU, JNU, इन सभी के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। आज की लड़ाई को लीड छात्र और नौजवान ही कर सकते हैं, इस बात को काट और यही छात्र नौजवान अगले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बिहार और देश के अंदर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ करेंगे। ये भीड़ बस आज के बाद खत्म नहीं होनी चाहिए, लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। कोई लोग कुछ भी हो, कल फिर से 20 को एक मसाल जुलूस है राजद का, अभी साथ ही घोषणा करके गए हैं, 21 को फिर से बिहार बंद है, हमें उस लड़ाई में भी शामिल होना है। वो तमाम आवाजें जो NRC और CAA के खिलाफ है, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी संगठन से आते हो, हमें उनके साथ चलना है, इस बात को तय कर लीजिए आप। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, मगर वादा करके जाइए कि लड़ाई को यही खत्म नहीं होने दीजिएगा। जब घर में जाइएगा तो NRC और CAA का अध्ययन कीजिएगा, समझिएगा कि दरअसल कानून क्या है। बस भीड़ नहीं बनिए, इंसान बनिए, और एक बार नारा बुलंद कीजिएगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नौकरी तो एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, मोदी ये लड़ाई हमारी लंबी लड़ाई है, ये आज एक दिन हम वोट जान करके